Top 20 News is brought to you by Vithoba in association with Valke Happy Homes, Mugdha EECP and Heart Care Center. नमस्कार, स्वागत है आपका NBC न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। पंजाब के कपूरथला के गुरुद्वारे में ओपन फायरिंग हुई है। जानकारी के मुताबिक गोलीबारी की इस घटना में एक जवान की मौत हो गई है, जबकि 5 घायल बताए जा रहे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश की तरह हलाल सर्टिफिकेट पर रोक लगाने और विभिन्न सरकारी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बता दें कि बुधवार को 2 सैन्य अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए थे। पीएम मोदी आज राजस्थान के राजसमंद जिले के देवगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आज राजस्थान में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में माटुंगा पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR को मुंबई अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया है। 41 मजदूरों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा होने में 5 से 6 घंटे का वक्त और लग सकता है। चीन में बच्चे एक रहस्यमयी निमोनिया की वजह से बीमार हो रहे हैं। WHO ने इस बीमारी के लिए COVID-19 प्रतिबंध में ढील देने को जिम्मेदार बताया है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद मऊआ मोइत्रा के विवाद के बाद संसद ने नया नियम बनाया है। अब संसद पोर्टल के लॉगिन और पासवर्ड सांसदों तक सीमित रहेगी। दिल्ली और NCR के इलाकों में CNG की कीमतों में गुरुवार को इजाफा कर दिया गया है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक दवा कंपनी के आग लगने से 11 मजदूरों की मौत हो गई थी। इसके बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए उत्पादन बंद करने का आदेश दिया है। उद्धव गुट के सांसद अनिल देसाई का दावा है कि शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में सुनील प्रभु से बार बार एक ही तरह के सवाल पूछे गए। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने दुकानों और होटलों के साइन बोर्ड मराठी में लगाने की उच्चतम न्यायालय की समय सीमा का पालन नहीं किए जाने पर आक्रामक विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के लातूर जिले में बुधवार सुबह 24 वर्षीय एक व्यक्ति ने कथित तौर पर मराठा आरक्षण के मुद्दे पर आत्महत्या कर ली। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में गेंदबाजों की जमकर कुटाई हुई है। टूर्नामेंट के 13वें एडिशन में पिछले 12 संस्करणों में सबसे ज्यादा छक्के और शतक देखने को मिले। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। इसका पहला मैच विशाखापट्टनम में आयोजित होगा। थैंक्सगिविंग डे हर साल नवंबर के 4th गुरुवार को मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में एक नेशनल हॉलीडे है। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत आज हल्की तेजी के साथ हुई है। फार्मा शेयरों में खासी गिरावट देखी जा रही है, लेकिन ऑटो शेयर ऊपर बने हुए हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज के IPO के लिए निवेशकों के बीच जबरदस्त क्रेज है। इस IPO को निवेशकों द्वारा पहले ही दिन 6.54 गुना तक सब्सक्रिप्शन मिल गया है। आलिया भट्ट को मुंबई में GQ के मैन ऑफ द ईयर इवेंट में स्पॉट किया गया। इस दौरान एक्ट्रेस ने अपने ग्लैम लुक से काफी लाइमलाइट बटोरी। वही पिप्स के साथ उनकी एक वीडियो खूब वायरल हो रही है। टाइगर 3 फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ताजा आंकड़े सामने आ गए हैं। फिल्म की कमाई लगातार घट रही है। फिल्म 11 दिनों में 250 करोड़ का कलेक्शन भी नहीं कर सकी है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC न्यूज। नमस्कार।